नमस्कार, म बबिता मादेन। यहाँलाई नर्थ बेङ्गाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। प्रस्तुत छ आजको मुख्य समाचार। गोजमु अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि महासचिव रोशन गिरीको अग्रिम जमानत याचिकाको सुनवाई फेरि पछाडि सरेको छ। सोमबार कोलकाता उच्च न्यायालयको जलपाइगुडी सर्किट बेन्चले सरकारी अनि मोर्चा नेताहरूको वकिल पक्षलाई सुनेपछि अदालतले उक्त मामिलाको सुनवाई 5 सातापछि हुने जनाए। सोमबार अदालतमा सुनवाईको अवधि राज्य सरकारका वकिलहरूले विमल गुरुङ अनि रोशन गिरी देश छोडेर विदेश भागेको बताए भने अर्कोतिर मोर्चा पक्षका वकिलहरूले मोर्चा नेताद्वय देशमा नै रहेको दावी गरे। सोमबार भएको सर्किट बेन्चमा न्यायाधीश जयमाल्य बागची र न्यायाधीश सुरजित मण्डलको इजलासमा विमल गुरुङ अनि रोशन गिरीको अग्रिम जमानत याचिकामाथि सुनवाई भएको थियो, जहाँ दुवै पक्षका वकिलहरूका तर्क सुनेपछि न्यायाधीश दयको खण्डपीठले मोर्चा नेताहरूको अग्रिम जमानी याचिकाको सुनवाई 5 सातापछि फेरि हुने जनाएको छ। वर्तमान समयमा चन्द्रमाको परिक्रमा गरिरहेको चन्द्रयान 2 चन्द्रमाको सतहका केही तस्विरहरू लिएको छ, जसलाई भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र इसरोले सार्वजनिक गरेको छ। चन्द्रयान 2 लिएको तस्विरहरूमा विशाल खाल्डाहरूको तस्विरहरू पनि छ, जसलाई इसरोले विभिन्न वैज्ञानिक तथा अन्तरिक्ष यात्रीहरूको नाम दिएर नामकरण गरिएको छ। राज्यका पर्यटन मन्त्री गौतम देवले दार्जिलिङ कालेबुङ लगायत पहाडको सम्पूर्ण होमस्टेका मालिकहरूलाई निशुल्क 2 प्रशिक्षण दिनेछ भनी बताएका थिए भने हिजो दिएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा एउटा पुस्तकको पनि विमोचन गरियो, जुन पुस्तकमा ट्रेकिङ अनि रुट विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको छ। यसरी नै 2 अनि 3 सेप्टेम्बर अलगडा, मालबजार अनि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुने बताइएको छ। মোস্টলি কালিম্পং আর দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট, তাদের আমরা 2 ট্রেনিং করছি কালিম্পং আর দার্জিলিংয়ে 26-27। তারপর 2 আর 3 আমরা আলগারা আর ট্রেনিং করব মালবাজার। আমরা হোমস্টে পলিসি অ্যাপ্রুভ করেছেন অনারেবল সিএম, এবং এটা ওনার ব্রেন চাইল্ড ছিল যে রেজিস্টার্ড হোমস্টেগুলোকে আমরা তাদের রিনোভেশনের জন্য 1.5 লাখ টাকা করে দেব সাপোর্ট পার হোমস্টে। 1-3 আমরা হিসাব করেছি, এবং এর জন্য রেজিস্ট্রেশন দরকার। এখন রেজিস্ট্রেশনটা আমরা অনেক ইজি করেছি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব দিয়েছি। হোমস্টে নির্দিষ্ট ফর্মে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করতে পারে, অফলাইন করতে পারে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাদের টিম নিয়ে সেটাকে রেগুলাইজ করবেন, এবং 297 হয়েছে এবং আরও প্রায় 100 মতো হোমস্টে রেজিস্টার্ড হয়ে আছে। এটা আমাদের কন্টিনিউ প্রসেস হবে, বছরে আমরা 2-3 করে এরকম স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং করবো, ডুয়ার্সও করব। এবং ট্রেক রুট, এই যে 87 ট্রেক রুট, সেটা নিয়ে 2 আমরা কাজ করছি, এই জঙ্গলে সমতলে, আর মেনলি তো সব পাহাড়ের ডাউন রুট আছে। এবং খুব সুন্দর বইটা হয়েছে, এবং বইটা আমরা অনেক কপি ছাপাবো, সমস্ত হোমস্টেগুলোকে দেবো, হোটেলিয়ার্সদের দেবো, ট্যুর অপারেটরদের দেবো, এবং সমস্ত যেগুলো জায়গাতে আমাদের ট্যুরিজমের টেক্স আছে সেখানে আমরা রাখবো, যাতে মানুষ এটা জানতে পারে এবং এই ট্রেকিং রুটগুলো মানুষ যাতে অ্যাভেলেবেল তারা করতে পারেন। আজকে জয়েন্ট ফোরামকো তত্ত্বাবধানমা গুরামুমু শ্রমিক সংগঠনদ্বারা লেবুং ভ্যালি অন্তর্গত বেনেকবুন টি স্টেটমা 1 গেট মিটিংকো আয়োজন গরিও। উক্ত মিটিংমা সংগঠনকা কার্যকারিণী অধ্যক্ষ ডিকে গুরুং, মহাসচিব এসকে লামা, সচিব ধীরেজ রায়, মঞ্জিল রায়, ভ্যালি সমষ্টি সভাপতি রাজু সুব্বা, গোরানাসবাট বসুন্ধরা প্রধান, পম্ফা লামা, বেনেকবুন শাখাকা গুরামুমু শ্রমিক সংগঠন অধ্যক্ষ হেনাং তোর্জে তামাং, সচিব যতন রায় মুখ্য রূপমা উপস্থিত থিয়ে। समाचारको क्रममा अब पालो वैचा छोटो विश्रामको। क्या आपके घर में शादी है? कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। छतरी छतों से फिसलती है।
हैथवे की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे एप्स। हैथवे, बदल गया है गेम। छतरियाँ गिरती है, रंगे बदलती है, उड़ती संभलती कैसे टहलती है, गलियों से मुड़ती छतों से फिसलती है, रस्तों पे खोई जाने कहाँ छतरियाँ। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीदमा हित सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो PIS को। PIS पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स, एक्सक्लुसिव स्टोर फर प्रिमियम फ्लोरिङ एन्ड वाल टेक्सचर। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 9733411411. विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सिन्कोना बगानमा धेरै वर्षदेखि ग्रुप डीको पदोन्नति प्रक्रिया बन्द रहेकोले ग्रुप डी पदोन्नति प्रक्रिया चालु गराउने माग गर्दै सिन्कोना सहायक सङ्गठनले पेन डाउन स्ट्राइक गर्ने निर्णय लिएको छ। ग्रुप डीको धेरैवटा रिक्त पदहरू हुँदाहुँदै पनि सिन्कोना बगानमा उक्त प्रक्रिया सुचारु हुन नसकेको कारण सिन्कोनाका चारैवटा युनिट मङ्पु, रोङ्गु, मनसुङ, लाटपञ्चरका सहायक मजदुरहरू दीर्घदिनदेखि पीडित अवस्थामा छन्। हिजो बसेको समितिको महत्त्वपूर्ण सभापछि सङ्गठनका केन्द्रीय सभापति सचिव मुनाल घिसिङले पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विगतमा हामीले धेरै आन्दोलनहरू गर्यौँ, धेरै आश्वासनहरू पनि पायौँ, केही हुन्छ होला भन्दै पर्खेर बसेका थियौँ, तर सडकमा उत्रेर आन्दोलन भने गरेका थिएनौँ। सिन्कोनाको एउटा मजदुरको न्यूनतम रोजमा धेरै जिम्मेवारी उठाउँदै यतिका वर्षहरूसम्म सेवा गर्दा पनि त्यसको कुनै लेखाजोखा र मूल्याङ्कन नभएको कारण अब सिन्कोनाको निर्देशालय, व्यवस्थापक कार्यालय अनि सम्पूर्ण विभागीय कार्यालयहरूमा आगामी 29 अगस्तदेखि गणतान्त्रिक ढङ्गमा असहयोग आन्दोलन स्वरूप पेन डाउन स्ट्राइक गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको बताएका छन्। यहाँनिर ग्रुप डी जुन चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया बन्द भइरहेको छ र यसमा चाहिँ हामी सिन्कोना बगानमा जति पनि सहायकहरू छौँ र एउटा न्यूनतम रोजमा एउटा मजदुरको एकदमै कम्ती रोजमा हामीले ठुलो ठुलो जिम्मेवारी जुन चाहिँ सहायकहरूले गर्नु परिरहेको छ र यो कारणले गर्दा आजसम्म पनि हामी पीडित भएर यो यत्रो सिन्कोना बगानमा ग्रुप डीको धेरैवटा रिक्त पदहरू हुँदाहुँदै पनि आजसम्म सिन्कोना बगानमा चाहिँ यो पदोन्नति जुन चाहिँ प्रक्रिया छ यो सुचारु हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी यो सम्पूर्ण सिन्कोना बगानको चारैवटा युनिट मङ्पु, रङ्गो, मनसङ अनि लाटपञ्चर लगायत सम्पूर्ण यो चारैवटा युनिटको चाहिँ एउटा सङ्गठित बनेर सहायक गर्ने एउटा यो सङ्गठन जुन चाहिँ विस्तार गरिरहेका छौँ। सत्तारूढ तृणमूल कङ्ग्रेसको कथित कुशासन अनि अवैध घुसपेटको विरुद्ध अभियान चलाएर एनआरसी अर्थात् राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर लागू गराउने वादासँगै भाजपाले पश्चिम बङ्गालमा निकै बलियो पकड बनाइरहेको पार्टीले दावा गरिरहेको छ। यसैबीच पार्टी सूत्र अनुसार भाजपाले आफ्नो सदस्यता अभियान अन्तर्गत 77 लाखभन्दा अधिक मानिसहरूलाई सदस्यता ग्रहण गराइसकेको छ। बिजेपी नेताहरूले बताएअनुसार भारत बङ्गलादेश सीमा छेउ जलपाइगुडी, कुचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर अनि उत्तर बङ्गालमा अलिपुरद्वार, मालदा, नदिया, उत्तर अनि दक्षिण 24 परगना जिल्लाहरूमा सदस्यता अभियानलाई अधिक सफलता प्राप्त भएको बताएका छन्।
राज्य सरकारद्वारा पश्चिम बङ्गालको सबै महाविद्यालयहरूको अस्थायी तथा गेस्ट लेक्चररहरूको स्थायीकरण गरिने सूचना जारी गरेपछि महाविद्यालयहरूमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ। यसैबीच उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयको शोधार्थीहरू पनि उक्त विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बनेका थिए भने यसको कारण महाविद्यालयहरूमा पठन पाठन पनि स्थगित गरिएको थियो। सरकारको उक्त पहललाई गलत ठहराउँदै धरना एवं रैलीको माध्यमद्वारा विरोध प्रदर्शन गरिएको साथै जबसम्म राज्य सरकारले यस विषयमा उचित कदम उठाउँदैन तबसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहने सूत्र अनुसार जानकारी प्राप्त भएको छ। एक आन्दोलन चल रहा है ये सेक के विरोध में, ठीक है, जो कॉलेज में गेस्ट टीचर है उसे परमानेंट करने का घोषणा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया था 19 तारीख को, उसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये यूजीसी का पूरा अपोजिशन में है, ये जो नीति वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लिया है ये यूजीसी का अपोजिशन में है। और जब तक गवर्नमेंट ये यूजीसी का अपोजिशन विरोधी नीति को विथड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हम आंदोलन करते ही रहेंगे। कालचिनी थाना अन्तर्गत चुवापाडा चियाबारीको बटम डिभिजन 1 नम्बर सेक्सनमा आज बिहान मर्निङ वाकमा जाने मानिसहरूले एउटा वृहत आकारको अजिङ्गर देख्दा व्यापक हल्लाखल्ला मचिएको थियो। पछि स्थानीय मानिसहरूले यसको जानकारी कमानको प्रबन्धन पक्षलाई गराएपछि बक्सा व्याघ्र प्रकल्प अन्तर्गत पर्ने पाना रेन्जका वनकर्मीहरू आएर उक्त 15 फुटको अजिङ्गर उद्धार गरेर लगेको, जसलाई कोर जङ्गलमा लगेर छोडिदिने वन विभागले जनाएको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईँको समय, तपाईँको समाचार।